हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री गणेशाय नमः। मैं किचन में बना रही थी पनीर पुलाव, मतलब राइस अलग से बना के। वैसे अगर मटर हो, गाजर हो और बाकी सारी चीज़ें भी हो, फ्रेंच बीन्स वगैरह, तो और भी अच्छा लगेगा। पर मेरे घर में इत्तफाक से आज कोई सब्ज़ी इस टाइप की नहीं थी जो मैं इसमें डाल सकूं, तो मैं सिर्फ पनीर वाला जो पुलाव है वो अभी के लिए बना रही हूं। ये जो पनीर है ना, पता नहीं क्यों चिपक रहा था कढ़ाई में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अमूल का पनीर था और जब डेयरी से ला के पनीर तलो तो वो कभी नहीं चिपकता, पर ये चिपक चिपक कर रहा था पता नहीं क्यों। जबकि इसी कढ़ाई में हमेशा फ्राई करती हूँ मैं, इससे भी हल्के तले के कढ़ाई में करती हूँ, तब कभी नहीं होता, इसमें चिपक रहा है। तो मैंने यहाँ पे तसला ले लिया है और मैंने चावल है ना, ये मैंने वही बचा हुआ मैंने थोड़ा सा घी में मैंने भुना है, घी में सौते किया है पनीर को, तो मैंने वो बचा हुआ घी इसमें डाल दिया है। और चावल मैंने अलग से बना लिए हैं, सीटी लगा लिए एक सीटी बासमती चावल में, और गरम गरम ही मैं थाली में निकाल लूँगी ताकि खिले रहें। अभी के खाने में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, मैंने आपको बताया ही था हम लोग सूरत गए थे उसको दिखाने के लिए, तो खाने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसको कुछ भी अच्छा खाने का मन करे तो हमें घर में ही बनाना पड़ रहा है। इस वजह से पनीर भी आजकल काफ़ी आ रहा है, बहुत नई नई डिशेज़ भी बन रही हैं आजकल। कभी कभी शूट करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरे जो हेल्थ इशूज़ थोड़े एक दो साल से जो मुझे आए हैं, हार्ट बीट वगैरह के, उस वजह से मेरे व्लॉगिंग पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन अब क्या करें, जान है तो जहान है, वो वाली बात है। बाय द वे, जब ये व्लॉग है तो वो किस दिन का है ज़रूर जानना चाहोगे आप, तो ये है 17-18 का, यानी कि 17 अक्टूबर की आप क्लिप देख रहे हो और इसके बाद 18 अक्टूबर आप देखोगे और डायरेक्ट देखोगे आप इसका करवा चौथ की तैयारी का और करवा चौथ का व्लॉग। एक्चुअली कल करवा चौथ था और मैं इतनी ज़्यादा बिजी रही, चाहते हुए भी कुछ गेस्ट भी आ गए थे, आप व्लॉग में देख लेना, चाहते हुए भी मैं ये वाला व्लॉग नहीं डाल सकी। नहीं तो ये व्लॉग मेरा कल आने वाला था, यानी कि करवा चौथ के दिन सोचा था मैंने डालने का, ताकि फिर डायरेक्ट आ जाता मेरा करवा चौथ की तैयारी और मेहंदी का व्लॉग, और कल यानी कि 22 अक्टूबर को आता मेरा करवा चौथ व्लॉग। लेकिन अब कल मेरा तैयारी का व्लॉग आएगा, परसों मेरा करवा चौथ का व्लॉग आएगा, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और मैं उनके साथ इतनी बिजी रही पूरा दिन कि मैं कल चाह के भी वाला व्लॉग नहीं डाल सकी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को डाल दिया था, पहले काफ़ी सारी कटी हुई लहसुन थी, प्याज डाली, हींग जीरा डाला, थोड़ा धनिया डाला। यहाँ पे अगर बॉयल वेजिटेबल आप डाल सको, जैसे कि मटर, गाजर, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स, तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लंच बॉक्स में भी बना सकते हो। अभी को ये वाला ऐसा पनीर पुलाव बहुत पसंद है, बासमती राइस से बहुत अच्छा लगता है। मसाले में इसमें डालेंगे, मसाले वगैरह की तो अभी को छूट है, कुछ चीज़ों के लिए मनाही की है, जैसे पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, और यू नो ऐसी चीज़ों की मनाही की हुई है, विनेगर वगैरह चाइनीज़। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है, मिर्ची डाला है और डाला है मैंने बिरयानी मसाला, नमक मैंने चावल बॉईल करते हुए डाल दिया, थोड़ा नमक मैं पनीर के लिए डाल दिया है, ऑलरेडी पहले से पनीर के ऊपर डाल के रखा था, और इसके बाद मैं नमक वाले चावल डाल दूँगी। बस इनको अब हल्के हल्के से मिक्स करना है हल्के हाथों से और एक हल्का फुल्का सा रेसिपी तैयार हो जाएगा। कभी ऐसे पेट में भूख लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी हम पनीर पुलाव बना के खा सकते हैं या और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। थोड़ा बटर मैंने ऊपर से डाला है, चाहे तो आप घी डाल लो, और इसके ऊपर डालेंगे धनिया और तैयार हो जाएगा हमारा पुलाव। तो कल कैसा रहा सबका करवा चौथ? भाई एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, कल इतनी बिजी हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मैं कम्युनिटी पे भी कल हैप्पी करवा चौथ पोस्ट नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। एक्चुअली कल सुबह सुबह ही एक गेस्ट आए और उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि हम लोग चौंक गए, तो जिस वजह से पूरा दिन कहाँ चला गया मैं सोचती रह गई, क्योंकि कोई घर पर आ जाता, एक तो मेरा भी व्रत था, ऊपर से घर पर गेस्ट थे, तो उनकी आवाभगत में मैं बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। आई होप सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा, मेरा भी बहुत अच्छा रहा। और मेरे घर में दिवाली की सफाइयाँ कुछ दिनों से चालू थी, जिस वजह से व्लॉग देखिए कंटिन्यू में बना नहीं सकी, डायरेक्ट मैंने 17-18 को व्लॉग बनाया है और फिर करवा चौथ व्लॉग, इसलिए लेट व्लॉग्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये 17 और 18 का व्लॉग आप देख रहे हो, इसके बाद डायरेक्ट आप करवा चौथ का व्लॉग देखोगे। तो ये बन गया हमारा पुलाव। Amazon Great Indian Festival is live now. Amazon पे इतने अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स में है गेट मिनिमम 50-80% ऑफ ऑन 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स एंड डील्स ऑन 3 लाख प्लस स्टाइल्स। मैं अक्सर व्लॉग में ना कुछ फेवरेट मेरी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ जो मैं यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इस वक्त जो मैंने लिप कलर लगा रखा है ये बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला है मेबेलिन का सेंसेशनल लिक्विड मैट। ये लगने के बाद ना इसकी खासियत है कि ये पूरा मैट हो जाता है, लेकिन बहुत कम्फर्टेबल मैट। सूखने दीजिए, इसके बाद इसका कलर देखिए, बहुत अच्छा लगता है ये डेली यूज़ के लिए। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लिप कलर और ये मुझे
डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में लगाना ये सब। और इसको मैं एज अ ब्लश भी अप्लाई करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अपना ब्रश लाना भूल गई हूँ इस रूम में, तो मैं आपको हाथ से ही इसको मर्ज करके दिखाऊंगी। वाओ, क्या मस्त वाला ब्लश है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो ये ड्राई हो चुका है, ऑन ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये कंफर्टेबल है। जैसे चैप होके निकल जाता है वैसा कलर नहीं है। तो ये मैं इसका नीचे लिंक छोड़ रही हूँ, ये नंबर है 23, मैं नीचे छोड़ रही हूँ लिंक, आप चेक कर लेना, इसका लिंक नीचे रहेगा। तो ये मेरे अमेज़न की बाय है, और जब भी मैं लगाती हूँ सब लोग पूछते हैं, इसलिए आज मैंने बता दिया। और इस वक्त वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, तो चेकआउट कर लो। अगर कोई मुझे पूछे कि मैं रोज़ किससे अपनी आईब्रो डिफाइन करती हूँ, तो इससे करती हूँ आजकल मैं, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ये ज़्यादा डार्क है ना ये ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल परफेक्ट है जैसे होना चाहिए। तो अभी इस वक्त देखो मेरी आईब्रो थोड़ी लाइट दिख रही है ना आपको, तो इससे मैं करके दिखाती हूँ। ये मेबेलिन का है और ब्रो पेंसिल है, और कौन सा कलर है ये, ब्राउनिश है। आप दिखा देती हूँ आपको, नीचे लिंक छोड़ दूंगी मैं, और माय हॉल स्टोर लिंक भी छोड़ूंगी, चेकआउट कर लेना। देखिए कितना अच्छा सा इसका ये है, ऐसे पेंसिल के इतना पीछे ब्रश दिया हुआ है। चलो इससे करते हैं, मैं कोई कांच यूज़ नहीं कर रही हूँ, और पता है ये बहुत ही कंफर्टेबल है इसको यूज़ करना, बहुत अच्छे से शेप भी कर देता है आपके आईब्रोज को। वाओ, चलिए दूसरी भी कर लेते हैं। मेरी आईब्रो ना एज के साथ थोड़े से लाइट होने लगे हैं, तो इसलिए बिल्कुल ब्लैक यूज़ करो ना तो वो आर्टिफिशियल दिखता है, लेकिन ये वाला कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अभी जब मैं नैनीताल गई थी ना, तब सबने मुझे पूछा भी था, दो तीन लोगों ने, कि आप किससे डिफाइन करते हो, बहुत अच्छे डिफाइन होते हैं। तो मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना कलर देता है। अब इसको हम ब्रश की हेल्प से, परफेक्ट जैसा कलर चाहिए। अगर आपको और डार्क चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो आजकल मैं ज्यादातर जब भी घर में होती हूँ, तो आप मेरे को यही लिप कलर में देखते होंगे, और आईब्रो डिफाइन मेरा ज़्यादातर इससे रहता है, या फिर एक स्विस ब्यूटी का भी है जो मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ, मतलब कभी इसको कभी उसको, दोनों ही मेरे मेकअप किट में पड़े रहते हैं। स्विस ब्यूटी वाले का भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूँगी, ठीक है। कैसा लगा आपको मेरा आईब्रो डिफाइनर पेंसिल? पेंसिल नहीं है ये, क्या बोलूँ इससे मैं, बहुत बढ़िया है जो भी है, और काफ़ी लंबा मिलता है आपको ये, देखिए काफ़ी सारा प्रोडक्ट मिलता है ना, आईब्रो करने में लगता ही कितना है, तो एक बार ले लो, डन। नीचे मैं लिंक छोड़ूंगी, और ये वाला तो इतना अच्छा लग रहा है ना, एज अ ब्लश भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, काजल मेरा फेवरेट, चलो अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। दिस इज फॉरेस्ट ग्रीन लैक्मे काजल। अभी फिलहाल तो मैंने ब्राउन भी लगाया हुआ है, ब्राउन भी मैंने लैक्मे का ही लगाया हुआ है, उसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी। उसी के ऊपर से मैंने आपको ग्रीन दिखा दिया है, लेकिन इसका पिगमेंटेशन क्या ही है, देखो बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद। इसको आप एज अ वो भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हो। वाओ, मस्त। मुझे अमेज़न से ही ये सारी चीज़ें खरीदना पसंद है, क्योंकि अमेज़न पे थोड़ा सा श्योरिटी रहता है, प्रोडक्ट बहुत ही मतलब जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप इसको चाहो तो ऊपर ऐसा लाइनर भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आजकल काफ़ी लगाती हूँ उस पर एज अ लाइनर। थोड़ा डार्क करना चाहो आप डार्क कर सकते हो, इससे आई शेडो करना चाहो तो थोड़ा आई शेडो जैसा भी कर सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाता है, देखो ग्रीन कलर का लैक्मे काजल है,
ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और एक इसका ब्राउन, तो ब्राउन वाले का भी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी। ये फॉरेस्ट ग्रीन है, वो ब्राउन कलर है, अक्सर आपने मुझे ब्राउन भी लगाए देखा होगा, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ आईब्रो डिफाइनर के लिए। और ये रोज वाला की लिपस्टिक। इसके अलावा दो लिपस्टिक और भी शेयर करने जा रही हूँ, जो अभी फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आ रही है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो ये दो लिपस्टिक बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि माई ग्लैम की हैं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ माई ग्लैम की लिपस्टिक्स, और इनके कलर बहुत वाइब्रेंट, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ लिपस्टिक है, ये है माई ग्लैम अल्टीमेट लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक्स, यानी इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है, मैट आपको इफेक्ट देंगी, और क्या ब्यूटीफुल इनका वो है, देखिए वाओ क्या अच्छा प्रोडक्ट है इसके अंदर, और कितनी सुंदर लगती है। दीज आर माई ग्लैम लिपस्टिक्स। सो क्या बोलोगे, फेस्टिवल कलर है ना, एकदम वही कलर है जिसे फेस्टिवल्स में लेडीज लगाना पसंद करती हैं। गो फॉर इट गाइस। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सबका मैं नीचे लिंक छोड़ रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे फटाफट जाके बाय कर लीजिए, अभी वहां पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। तो गाइज ये है 18th of October, और 18th of October को हम लोगों ने पूरा घर एक साथ निकाल लिया था। थोड़ी थोड़ी सफाई तो हमारी चल रही थी 7-8 दिनों से ज़्यादा, बल्कि थोड़ी थोड़ी हम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर, थोड़ा थोड़ा सा कोई कॉर्नर कर लिया, लेकिन आज पूरे घर के जाले, दीवारें, फ्लोर सब कुछ साफ होगा। और साथों साथ मैंने बुलाया है टर्माइट ट्रीटमेंट वालों को। लास्ट ईयर आपको याद होगा मैंने घर में दीमक लग गई थी कुछ फर्नीचर में, तो मैंने टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया था, उसकी सर्विसिंग का टाइम भी आ गया, और मुझे ना एक जगह किचन के डोर पे थोड़ा सा दिखाई दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ जब ये सब हो रहा है तो ये भी कर लेते हैं। ये भाभी हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं अब, हम मेरे नए हाउस हेल्प, और साथ में एक पुष्पा करके है, वो भी काफ़ी अच्छी लड़की है, मतलब वुमेन है, वो भी साथ में आने वाली है, वो भी भाभी ने उससे बात करके रखी हुई है। तो दो जन मिलके पूरा घर साफ करने वाले हैं, और हम लोग तो ऑब्वियसली यार सुबह से रात हो जाएगी आज तो पता नहीं चलने वाला है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बस भाभी अपना सब कुछ कर रही थी, इस वाले रूम से उसने स्टार्ट किया था भाभी ने, पहले जाले झाड़े, पंखा साफ करेंगी, फिर ये जो विंडोज़ हैं कांच की उसको कॉलिन से साफ करेंगी, ये लैंप, और हमारे यहाँ सभी लोग, मतलब आपके घरों में भी ऐसे ही होता होगा आई डोंट नो, पूरी दीवारों को ये लोग साफ़ करते हैं। और मेरे घर में वो वाले कलर्स हैं जो कि, मतलब जो कलर है ना दीवार के ऊपर वो है जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, पानी से लूच लो, साफ़ कर लो, कुछ भी कर लो। टर्माइट वाले भी आ चुके हैं, अभी बैठा हुआ था, सारा घर फैला पड़ा है, ऑब्वियसली सफाई चल रही है। अब ये दोनों जन मिलके आज पूरे दिन में पूरे घर की दीवारें वगैरह करेंगे, और मैं जो भी हमारा सामान सॉर्ट आउट करना है, लाइक जैसे अलमीरा के ऊपर कुछ ना कुछ, देखिए घर गृहस्थी है ये, अलमीरा के ऊपर भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो इंसान रख ही देता है, तो हमारे पिंक वाला रूम जो सामने दिख रहा है आपको, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलमीरा के ऊपर हैं, तो वो एक एक चीज़ सॉर्ट आउट करूँगी, मैनेजमेंट पूरा मेरा है, फिर एक एक शोपीस साफ करूँगी, वाज धोने हैं, ये करना है। और ये टर्माइट वालों ने तो बाप रे बाप पूरा घर फैला के रख दिया था, मैं आपको क्या बोलूँ, हद हो गई थी बिल्कुल, मतलब हमें दोपहर बाद तक का टाइम हो गया था, शाम तक का करते करते मैं आपको बोलूँ तो, हाँ इतना तो टाइम हो ही जाता है जब पूरा घर एक साथ निकालो। और आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि मैंने जब उस दिन स्टोरी शेयर की थी, कुछ रिप्लाई किया था मेरी सास के रिगार्डिंग, तो मैंने आगे की बात क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं बताने वाली थी ना आपको कि क्यों रिश्ते टूट गए हैं, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी। ये त्योहारों के चक्कर में ना इंसान इतना बिजी हो जाता है कि भाई अर्जेंट काम भी रह जाते हैं, वीडियो शूट तो क्या ही बोलूं, तो मैं बैठ के एक दिन बना दूंगी ये वीडियो, जल्द आपको दे दूंगी। कुछ लोग क्योंकि क्वेश्चन उठा रहे थे कि आप देना नहीं चाहते, आधी बात करके क्यों छोड़ देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आधी बात करके नहीं छोड़ रही हूँ मैं। देखिए इस वाले डोर पर ना मुझे थोड़ा सा दीमक दिखाई दिया था टर्माइट, जिस वजह से इनको बुलाया मैंने, और यहाँ पर फिर फाइनली आगे का रूम करते करते तो शाम जैसी थोड़ी होने लगी थी, और सारा फिनिश जाएगा फिर नहा धो के मैं आपको मिलूंगी। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है, और इसके बाद डायरेक्ट मैंने उस दिन व्लॉगिंग की जिस दिन हम मेहंदी लगाते हैं, यानी कि 19th of October को, इसके बाद 19th October का व्लॉग आपको मिलेगा, और फिर करवा चौथ का व्लॉग।
सो गाइज, करवा चौथ मेरा भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हमने मनाया और जैसे हर साल मनाते हैं, और कहानी वगैरह कहना एंड ऑल, बाकी आप आगे देख लोगे और बाकी रील आप देख सकते हो मेरे इंस्टा पे जाके मैंने क्या वेयर किया था। मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स पे डाल देती हूँ, देखिए मैं शॉर्ट इसलिए डालती, मुझे ना बहुत कम व्यूज़ आते हैं शॉर्ट्स पे, तो मुझे लगता है शायद मेरे शॉर्ट्स यूट्यूब पे पसंद नहीं आते लोगों को, तो इसी वजह से मैं कम डालती हूँ। बट ठीक है, मैं डाल देती हूँ करवा चौथ के 4 से 5 शॉर्ट्स में डाल देती हूँ आपके लिए। गुड इवनिंग गाइज, आज के दिन को हमारे यहाँ कहते हैं, कल था ना प्रिशा चंदी पड़वा, तो चंदी पड़वा आज चंदी पड़वा, तो कल क्या था? कल वो दिन था जिस दिन पोहे, हाँ जिस दिन पोहे खाते हैं, पोहे दूध खाते हैं, कल वो दिन था। आज में थी तो फिर आज कैसे खा रही है? पता नहीं, एक दिन का कुछ तिथि का गड़बड़ हुआ है। आज डेट है 18th of October और अभी शाम का वक्त हो रहा है, और कैन यू बिलीव इट, दिवाली में सिर्फ 12 दिन रह गए और इतनी तेज बारिश हो रही है। मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ, चलो दिखाती हूँ आपको, बहुत ही तेज बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितनी ज्यादा तेज बारिश है बाहर, ये देखिए 18th of October को ये हाल है, और ये रोज शाम को यहाँ की कहानी है। ये रोज शाम को दिन भर गर्मी पड़ती है और शाम होते होते यहाँ पे 5:30 से ऐसे मौसम हो जाता है, और फिर बहुत बरसता है, बहुत बरसता है। अभी तो कम हो गई है बारिश, इस थोड़ी देर पहले तो बहुत ही तेज थी। तो आपको याद है कि 2020 में मैंने अपने घर रूम का सेटअप कुछ ऐसे कर रखा था, इसको मैंने वापस से वैसे ही कर दिया है सेटअप, थोड़ा सा ना चेंज करा है, वो LED लाइट वगैरह लगाई है अभी थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा ऐसे यहाँ मेरी रिंग लाइट रखी हुई है, यहाँ मैं शूट करती हूँ कई बार, तो इसका सेटअप मैंने ऐसे ही कर दिया है। दिवाली की सफाई मेरे घर में हो ही चुकी है, आपको पता है 18th of October है आज के दिन, और परसों है करवा चौथ, तो कल मेरा सब करवा चौथ का शॉपिंग वगैरह होगा। आज हम खाएंगे घारी वगैरह, मैं बताती हूँ भी आपको कैसा लग रहा है सेटअप। बड़ी लाइट चालू करके बताती हूँ, ये देखिए पूरा घर रूम सब कुछ दिवाली के लिए रेडी हो चुका है, पूरा घर का साफ सफाई हो चुका है। तो आप समझ लो कि हम लोग लगे हुए हैं कितने दिनों से, लगभग हो गए 10-12 दिन मुझे लगे हुए, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, फिर एक साथ शुरू किया, तब थोड़ी बहुत शूटिंग मैंने शुरू करी थी, लेकिन वैसे मैं लगी हुई थी थोड़ा थोड़ा काम करने में 10-12 दिन से। ज़रूरी नहीं है हमेशा शूट करूं, लोगों को लगता है सिर्फ काम वालियों ने किया है या मेड ने किया है, ऐसा नहीं है। मैं लगी हुई थी तकरीबन 10-12 दिन से, पहले मैंने उस वाले रूम को भी साफ़ कर दिया है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, रात को दिखाती हूँ, वो भी वहाँ पे भी मैंने LED लाइट वगैरह लगाई है। तो आज का जो दिन होता है, आज के दिन घारी खाई जाती है यहाँ पे, चिवड़ा और घारी, हर साल मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ आज का दिन। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अभी ट्यूशन में है, अटका हुआ है, लेंगे अभी को लेके ट्यूशन से, फिर निकलेंगे हम लोग वो सब लेने के लिए, जो चीज़ें घारी और चिवड़ा जो खाया जाता है ना, प्रेशर रेडी हो रही है। और मैंने ये पहना है आज ना, बहुत दिनों से ना ये कुर्ती मेरी, मतलब बहुत सालों पहले सिलवाई थी हमने। प्रिशा कितने साल हो गए इस कुर्ती को सिलवाए? 3-4 साल? 6 साल पहले सिलवाई थी, लेकिन पहनी गई है आज। ये चिकन की कुर्ती है, तो मैंने आज प्रिशा की अलमारी से कबर्ड से लेके पहन ली, अपने लिए सिलवाई थी। वाओ, लुकिंग प्रिटी। जल्दी रेडी हो जाओ बेटा, पापा गुस्सा कर रहे हैं। तो आज के दिन के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ये होते हैं कि घारी खाई जाती है, चिवड़ा खाया जाता है, और चंदी पड़वा जो कि परसों था या कल था पता नहीं, तिथि का बहुत गड़बड़ हो रखा है। करवा चौथ पे भी तिथि गड़बड़ है, करवा चौथ पे नहीं, दिवाली पे गड़बड़ है, और इस पे भी गड़बड़ थी अष्टमी नवमी पे माता जी के नवरात्रों में। तो ऐसे कुछ है कि कल भी था आज भी है, पता नहीं हम लोग आज कर रहे हैं। चलो लेके आते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है घारी और चिवड़ा, क्या होती है यहाँ की एक मिठाई होती है गुजरात की। और बस अब करवा चौथ की तैयारी कल करनी है, परसों करवा चौथ है, शायद करवा चौथ के 3-4 दिन बाद जाएगा मेरा व्लॉग, तो क्योंकि मेरे व्लॉग कई बार मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, रह जाते हैं। पीछे का कांच गंदा हो रहा है, बाप रे बारिश, तो देखो बारिश। कितनी प्यारी है, लोगों को पता है? हाँ, मुझे वो दिवाली के 12 दिन पहले ये हाल है यहाँ पे, बहुत बरसात पड़ी हुई है यहाँ पे, मॉनसून गया ही नहीं है अभी मॉनसून कहाँ गया यहाँ पे, ना गया है। 18 तारीख को ये हाल हुआ है। बाय गॉड, पानी भर गया मेरे को भी। मैं सोच रही हूँ कि
अगर ऐसे ही बारिश पड़ी तो कल करवा चौथ की शॉपिंग कैसे होगी वो बताओ जी। कार में ऐसे ही जाएंगे हम बारिश में भीगते कार में जवान कार में जाएंगे। ओए ओ पानी भर गया आई थिंक सो और पानी भर गया है शायद। देखो पहले आ रही है कार के नहीं आ ही रही है थोड़ा थोड़ा भरा है। ओ बाप रे पानी भर गया है विवेक देख लो। नहीं नहीं वापस ले लो। नहीं है बेटा मैं ले रहा हूँ पीछे। वैसे बाइक भी तो जा ही रही है। अरे लेकिन फिर भी लौटते ज्यादा हो गया तो क्या करोगे तो घूम के आएंगे। बाप रे इतना पानी भर गया ऐसा मैंने कभी पहले लाइफ में नहीं देखा है कि दिवाली से पहले इतनी बारिश हो। करवा चौथ पे दिवाली पे कभी बारिश इतनी नहीं। हाँ एक बार हुई थी बारिश याद है एक बार दिवाली पे हुई थी पर इतनी इतनी नहीं हुई थी। अच्छा वाला हैंकी है क्या तेरे पास? मेरे पास तो नहीं है मैं टिश्यूज भी नहीं है मेरे पास। ये देखो गाइस मेरे मेरे अपटाउनी के स्कार्फ से इन्होंने कांच को साफ किया है। मेरे पर्स में सिर्फ यही था। ये मेरा अपटाउनी का स्कार्फ है। अपटाउनी स्टूडियो वो उसका है ज़ूक का है ये नहीं ज़ूक का सॉरी हाँ ज़ूक वालों ने भेजा था इससे इन्होंने कांच साफ कर लिया। बताओ बताओ इतना सुंदर था मेरा स्कार्फ। इसको यहाँ रखती हूँ। लो मैं ओह माय गॉड अभी के ट्यूशन के बाहर भी पानी हर जगह पानी ये चमकी जा रही है। इस बार तो ऐसा लग रहा है दिवाली के दिन भी ये होने वाला है ऐसा लग रहा है। मम्मी रात भर मत बोलो यार कल मैच का पेपर को खत्म करना है बस। हो जाएगा बेटा क्योंकि फिर सैटरडे या संडे तो एक और दिन झेलना पड़ेगा तो दो दिन और झेलना पड़ेगा। बाय द वे इट इज फ्राइडे है आज। भगवान जी फोटो खींच रहे हैं है ना अभी। तो 18 तारीख को बारिश के ये हाल थे। आप सोचो करवा चौथ तक भी यहाँ पे बारिश बंद नहीं हुई है। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। और ये है घारी वाली मिठाई और ये है चिवड़ा। तो चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल मेहंदी व्लॉग में और करवा चौथ व्लॉग में।